जहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप एवं नर्स को दया और सेवा की प्रतिमूर्ति समझा जाता है, वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें नर्स एवं डॉक्टर का क्रूर रूप सामने आया है। मालवीय मार्ग भगत सी चौक निवासी राजकुमार जैन का इलाज रांची स्थित राज हॉस्पिटल में तकरीबन 20 दिनों तक चला। वहां उनके साथ नर्सों ने क्रूर बर्ताव किया। आपका एक ICU में एक इंटेंसिव ICU है और एक पेशेंट कुछ उनको ठीक लगता है तो बाहर वाला ICU में ले जाते हैं। ये बाहर वाले ICU के बाद में जो 17 दिन या 16 दिन 325 नंबर बेड पे 325 नंबर बेड पे जो है सो इनको रखा गया था और इनके साथ में जो की बात हुई, मेरा ये कहना है कि जो इलाज होना चाहिए अब तो मार्क नहीं था। हम लोगों ने जितना भी पैसा उन लोगों को बिल बनाया सब देने के लिए हम लोग दिए के आए, परंतु आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग। इसके लिए मैं बाद में जब पेशेंट को यहाँ ले आया 6 तारीख को, मैं बाद में जो है सो हॉस्पिटल भी गया। मैंने गंभीर साहब से मिलने की कोशिश की, जो राज हॉस्पिटल के मालिक हैं वो हमसे मिले नहीं, परंतु उनके जो इंचार्ज हैं उस चीज के लिए वो सरदार जी हैं, उनका नाम भी मैंने उनको अपनी बातें बहुत अच्छी से बता दी समूची। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ और आफ्टर 2 डेज मैं आपको रिवर्ट करूँगा। मेरा नंबर भी उन्होंने फोन लिया, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पर हम लोग जो है सो 16 तारीख को सुबह आरोग्यम में भर्ती कराए थे। आरोग्यम वालों ने 16 तारीख के शाम को जो है सो कहा कि आप पेशेंट को इमीडिएट ले जाए। मैं एक्शन का अभी तो मैं जो है सो पेशेंट को लेकर वेलोर जा रहा हूँ अपने। हमको जो है सो व्यवस्था के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति, या जो है सो आपका जो है सो जो हमारी परेशानी महसूस हुई उसके प्रति मैं शिकायत आपको कर रहा हूँ। डॉक्टर्स अच्छे थे, कंप्लेन नहीं किया है। अशोक जैन, राजकुमार जैन के रिश्तेदारों ने बताया कि इनको पैरालिसिस अटैक आने के बाद इनको आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इनको इलाज में संतुष्टि नहीं मिलने पर उनको रांची स्थित राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनको ICU में रखा गया। वहीं उनके साथ नर्सों ने मारपीट एवं गाली गुलौज करती थी। इनको वहाँ बहुत टॉर्चर करती थी नर्स लोग। सुबह हम लोग मिलने जाते थे तो बोलते थे कि नर्स लोग मेरे को रात में बहुत टॉर्चर करती है, अगर पॉटी कर दिए तो गाली देती है, थप्पड़ लगाती है गाल पे। लेकिन हम लोग एक दो बार कंप्लेन किए तो वहाँ अंदर में जो डॉक्टर थे वो बोलते थे इस पेशेंट का रोज़ दिन कुछ ना कुछ कंप्लेन रहता है, और भी तो पेशेंट है। लेकिन और भी सारे पेशेंट के अटेंडेंट लोग हम लोग को रोज़ बोलते थे कि हमारी मम्मी को आज इसने ऐसे बोला, हमारे हस्बैंड को इसने गाली दिया, सबका कंप्लेन था ये। लेकिन हम लोग इस चलते डर गए कि हमारा पेशेंट अंदर, हमारे पेशेंट के साथ इन लोग और दुर्व्यवहार नहीं करे, इसलिए हम लोग डर के मारे कुछ एक्शन नहीं लिए। वहाँ थाना में नहीं किए, हॉस्पिटल में कंप्लेन किए हम लोग, तो बोला ठीक है हम लोग है ना बात करेंगे सिस्टर लोग से। हम लोग लिखित रूप से थाना में कंप्लेन नहीं दिए, डर गए कि हमारा पेशेंट वहाँ है कुछ उसको पेशेंट के साथ। मेरा बेटा एक दिन ICU में झगड़ा भी, मतलब इनको कुछ गाली दिया तो वहाँ पे कोई दूसरे डॉक्टर थे जो जूनियर, उनसे जो उनके सामने ही नर्स लोग से झगड़ा भी हो गया था, तो मैं ही शांत की और ये हमारे जेठ है इनसे बात कर लीजिए। साथ में अंदर ICU में तो हम लोग को रहने नहीं देते थे, हम लोग तो बाहर में रहते थे। वो एक घंटे का टाइम था उसमें मिलने जाते थे, हमारे जेठ है ये भी मिलने जाते, तो इनको भी कुछ कंप्लेन किए हैं, वो अंदर में इनसे बात कीजिए। साथ ही उनके परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज के देखरेख सही तरीके से नहीं होने के कारण उनके शरीर में बेड सोल हो गया और इलाज का इन लोगों ने 3,52,000 रुपया भी वसूल किया।